तो आज दीपोत्सव होगा। दीपोत्सव से पूरी रामनगरी जगमगाने वाली है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। 12 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी। कम से कम 5 मिनट तक ये दिए जलाए जाने वाले हैं और दीपोत्सव में इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। बारह लाख दीयों से चमकेगी रामनगरी। कम से कम 5 मिनट तक मिट्टी के ये दिए जलाए जाएंगे। सरयू घाट आप देख रहे हैं, सरयू घाट पर दिए रखे गए हैं। दीयों से सरयू घाट को सजाया गया है। एक अनोखी साज सज्जा सरयू घाट पर की जा रही है। जब लाखों दिए एक साथ जगमगाएंगे तो रामनगरी की शोभा न्यारी होगी। और देखिए, तैयारियों में जुट गए हैं अयोध्यावासी। अयोध्या के लोग भी सरयू के तट पर आ रहे हैं, दिए जला रहे हैं। और अयोध्या नगरी कैसे आज चमकाएगी, कैसे आज झिलमिलाएगी, इसको लेकर तैयारियां अयोध्या के लोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है। लाखों दिए एक साथ अयोध्या नगरी की शोभा को बढ़ाएंगे। सदियों पहले श्री राम वनवास काटकर लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। आज के दिन ये खबर अयोध्यावासियों को मिली थी और तैयारियों में जुट गए थे अयोध्यावासी। और आज फिर वैसी ही तैयारियां अयोध्यावासी कर रहे हैं। लाखों दीपक, 12 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी। अनोखी झांकियां इस मौके पर निकाली जा रही हैं। रामायण के अलग अलग प्रसंगों को इन झांकियों के जरिए दर्शाया जा रहा है। अयोध्या में जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ कणकण में राम वास करते हैं। अयोध्यावासी इस मौके पर दीपोत्सव की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। कलाकार रामलीला के पात्रों की भांति सजे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं और रामलीला के अलग अलग दृश्यों को चित्रित किया जा रहा है। कहीं गीत और संगीत है, कहीं भजन और कीर्तन है। पूरी की पूरी अयोध्या इस समय राममयी हो गई है। अयोध्या का राममयी चित्रण जरा देखिए। गीत संगीत की धुनों के बीच वानर सेना थिरक रही है और पूरी अयोध्या राममयी हो गई है। मोदी योगी को बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना देना चाहते हैं कितना बढ़ जाए हमारे लोगों का, जितने हिंदू हिंदू वाले हैं ये बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएं। जय श्री राम। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं योगी और मोदी से। इतना संतुष्ट हैं कि कितना क्या बता दें। जैसे हनुमान जी के इधर सीना फाड़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस्ताके हैं। इधर तो अब भी अच्छा लग रहा है। मोदी जब भी इधर आए, गवर्नमेंट मोदी का गवर्नमेंट आए तो हिंदू का बचा है। अभी हिंदू अभी देख सकते हैं इधर। बहुत अच्छा लग रहा है। और मोदी जी योगी जी जब से आए हैं यहाँ पे, तब से एक बाद ये उत्सव का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और हम चाहेंगे कि सरकार से यही ऐसा ही हर साल चलता रहे, हर साल चलता रहे और मोदी जी योगी हमेशा एक बाद बैठे रहे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी का दीप महोत्सव जब से सीएम बने हैं तब से विश्व रिकॉर्ड बना है। और एक दिवाली जो है त्रेता युग से चालू हुई, जो अनवरत चल रही है। तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास काल काट करके जब अयोध्या आए, लोग खुशी में इतने दिए जलाए, तब से दीप महोत्सव अनवरत मनाता चला आ रहा है। ये परंपरा बन गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष किया है। और 500 वर्षों के बाद में जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो राम मंदिर निर्माण की खुशी में एक दिवाली शुरू की गई है, जिसको श्री राम मंदिर निर्माण दीप महोत्सव नाम दिया गया है। यह प्रत्येक वर्ष चलती रहेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, प्रतीक्षा की है, कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को आहूत किया है। इसके बाद आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और वो भी योगी और मोदी जी का प्रयास है। आज जो है
हमने भगवान से प्रार्थना किया कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से मंदिर बन रहा है उसी तरह से राम राज की स्थापना भी हो, और इसी शुभकामना के साथ में एक और मंदिर निर्माण का जो है दिवाली हमने शुरू किया। तो तस्वीरें आप देख रखे हैं, अयोध्या की ये तस्वीरें हैं, दीपावली की धूम नजर आ रही है, दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही है, झांकियां निकाली जा रही है, रामलीला के पात्रों के तौर पर कलाकार सजे हुए हैं, कहीं वानर सेना नृत्य कर रही है, कहीं भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, पूरी की पूरी राम नगरी राममयी हो गई है। आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दीपोत्सव की तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं। आज शाम को लाखों दीपक एक साथ सरयू के तट पर झिलमिलाएंगे और दीपकों की जो संख्या है वो तकरीबन 12 लाख बताई जा रही है। एक नया कीर्तिमान इस दीपोत्सव पर स्थापित होगा, अयोध्या झिलमिलाएगी। सदियों से दीपोत्सव की एक परंपरा है जो चली आ रही है। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर वापस लौटे थे। इस मौके पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और बताया जाता है कि आज के दिन ये खबर अयोध्या वासियों को मिली थी कि भगवान राम लौट रहे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को सजाया था और आज फिर अयोध्या वासी अयोध्या को सजा रहे हैं। अयोध्या के स्थानीय लोग भी अयोध्या में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी दीपोत्सव की तैयारियों में जुटा है। सरयू के तट पर दीपों की माला सजा दी गई है। रामलीला के पात्रों में कलाकार सजे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, कहीं वानर सेना थिरक रही है तो कहीं रामलीला के पात्र नजर आ रहे हैं। कलाकार रामलीला के पात्रों के रूप में सजे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं, रामलीला के अलग अलग दृश्यों की ये झांकियां हैं जो अयोध्या में निकाली जा रही हैं। लाखों दियों के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपोत्सव की खास तैयारी प्रशासन ने की है। लाखों दिए सरयू के तट पर एक साथ झिलमिलाएंगे, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। दीपोत्सव का यह महोत्सव है और 5 मिनट तक लाखों मिट्टी के दिए एक साथ झिलमिलाएंगे। दीपोत्सव है और ऐसे में दीपक जलाए जाने हैं। सरयू के तट पर लाखों दियों को सजाया गया है, माना यह जा रहा है तकरीबन 12 लाख दिए होंगे जिन्हें कम से कम 5 मिनट तो जलाया ही जाएगा। और इस मौके पर अयोध्या की जो छटा है वो निराली होगी, पूरा अयोध्या झिलमिला रहा होगा। इस बार दिवाली पर रामनगरी अयोध्या एक और कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी भी है। जी हां, रामनगरी अयोध्या में 36,000 लीटर तेल के साथ 12 लाख दीपक जलाए जाएंगे। तो कैसे रामनगरी राममयी हो उठी है और क्या है तैयारियां, रिपोर्ट में देखिए। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले हिंदू धूमधाम से भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशी मनाते हैं। पिछले कुछ सालों से भगवान श्री राम की नगरी में ये खुशी सबसे बड़े स्तर पर मनाई जा रही है। हर बार नया कीर्तिमान भी स्थापित हो रहा है। इस बार के भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। संपूर्ण राम नगरी राममय हो चुकी है। राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा जय श्री राम के जयकारों और शंखनाद के साथ रवाना हो चुकी। शोभा यात्रा में भारत की संस्कृति के अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं। बेहद रंगारंग माहौल बना है। साथ ही सरयू किनारे राम कथा पार्क में पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण उतरेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत
कैबिनेट के मंत्री और साधु संत दीप जलाकर भगवान श्री राम की अगुवाई करेंगे। सीएम राज्यपाल समेत यूपी के मंत्री मां सरयू की आरती करेंगे। शाम को होने वाले दीपोत्सव में 5 देशों से आए करीब 10,000 मेहमान इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। राम की पैड़ी के अलग अलग 32 घाटों पर 9 लाख दिए जलाकर 5 मिनट तक जलते रहने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये लक्ष्य रखा गया है कि अवध के 12,000 युवा इसे पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने दीपोत्सव को एक बेहद बड़े महोत्सव के तौर पर मनाने की शुरुआत साल 2017 में। साल 2017 में 1,80,000 दिए जलाए गए। 2018 में रिकॉर्ड को बढ़ाते हुए 3,01,152 दिए कर दिए गए। 2019 में 5,50,000 तो 2020 में 5,51,000 दीपक जलाए गए। ऐसे में अब यानी 2021 में योगी सरकार अयोध्या में अब तक का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाने जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी होगी। करीब 20 मिनट तक होने वाली आतिशबाजी के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पूरा आसमान रंग बिरंगी लाइटों से जल उठेगा। चूंकि इस कार्यकाल का योगी सरकार का ये अंतिम वर्ष भी है तो महोत्सव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अयोध्या के कोने कोने में दीपक जगमग कर उठेंगे। दीपोत्सव को लेकर सरकार और प्रशासन की कोशिशों के अलावा हजारों युवाओं की मेहनत है जो निस्वार्थ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन को भव्य बनाने में पिछले काफी दिनों से जुटे हैं। रामायण के 11 प्रसंगों पर झांकियां यहां साकेत महाविद्यालय से अभी ठीक 10 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और फिर ये झांकियां शहर से हनुमानगढ़ी के मार्ग से तुलसी उद्यान होते हुए सीधे नया घाट पर जाकर रामकथा पार्क में 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी पुस्तक मान से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनकी अगुवाई करेंगे। काफी अच्छा लग रहा है, राम जी के आने की खुशी हो रही है तो पूरा अयोध्या रोशन हो जाएगा और भी भव्य हो जाएगा। काफी अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा लगेगा कि राम जी आ गए हैं। पूरे देश को इंतजार है केवल उस पल का जब 36,000 लीटर सरसों के तेल के साथ 12 लाख दीपों के साथ राम नगरी सोने की तरह जगमग कर उठेगी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जो सालों साल याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।